हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ एक टेबल कवर, खूबसूरत सा। इसको आप टेबल रनर भी बोल सकते हो। नॉर्मली मैंने 2 प्ले वूल ली है, इसीलिए डबल लेयर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वूल की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्लिप नॉट लगाई है, उसके बाद आपको 10 चैन बनानी है। ये साइज़ मैंने 5 पंखुड़ियों के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ी पंख बनाना चाहते हो वो मैं आपको एंड में डिस्कस करूँगी कि आपको और टेबल कवर बड़ा कैसे बनाना है। तो पहले आप ये देख लीजिएगा, स्टार्टिंग 10 चैन के साथ की है। इसके बाद राउंड बना के 3 चैन बना के फिर डबल क्रोशिया बनाना है वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। फिर 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। पैटर्न हमारा ऐसा ही है, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया। फर्स्ट राउंड में बस आपको सिंपल इतना ही करना है, बस 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 पंखुड़ियों के लिए बना रही हूँ, तो 1 पंखुड़ियों के लिए हमें 3 डबल क्रोशिया चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाई है। अगर आप 6 पंखुड़ियों को बनाना चाहते हो तो 3 डबल क्रोशिया और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा। बट अगर सेम 5 पंखुड़ियों के साथ बना रहे हो तो ये पैटर्न ऐसे ही फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करें। सेकेंड राउंड में हमने 2 पंखुड़ी डबल क्रोशिया के बीच में इसको 3 चैन बना दी है। उसके बाद आपको 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चैन और फिर डबल क्रोशिया। तो हर पैटर्न के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2, फिर 1 चैन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनाना है आपको, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया। क्योंकि हम सेकंड राउंड है, राउंड को बढ़ाना है, इसीलिए हमने डबल क्रोशिया की जो संख्या है यहाँ पे बढ़ा दी है। तो ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन। आप इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। राउंड कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड राउंड में हमें 2 डबल क्रोशियों को एक साथ जोड़ना है, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनानी है तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना चुकी हूँ, इन डिटेल है, तो वो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद 5 चैन बनानी है, और फिर जो आगे वाले 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें से पहले में से ये हाफ और फिर सेकेंड इसमें से हाफ। तो इन 2 हाफ डबल क्रोशिया को फिर से हम एक साथ मिलाएंगे। और ये देखिए, जैसे ये 5 चैन का लूप बना था, उसी तरह से आपको आगे भी 5 चैन का लूप बनाना है। तो 5 चैन बना दी, उसके बाद जो आगे वाले 2 डबल क्रोशिया उनको फिर से हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया के साथ एक साथ मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से लूप बनेंगे। फिर आपको 5 चैन बनानी है, 5 चैन यहाँ पे बनेगी, और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब इसके बाद 4th नंबर का राउंड है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे 2 चैन के साथ। उसके बाद आपको 5 डबल क्रोशिया बनानी है, जो लूप बनाया हुआ था 5 चैन का उसी में ही, पहले 2 चैन और फिर 5 डबल क्रोशिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा 6 नंबर का डबल क्रोशिया हो गया, 3 और 3, 6। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन बना लीजिएगा, फिर जो आगे वाला लूप है उसमें आप 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये दूसरी वाली, इस तरह से, ये देखिएगा। इसके बाद आपको 4 चैन बनानी है यहाँ पे, 4 चैन, और जो आगे वाला लूप है उसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनानी है, नॉर्मल वाली, ठीक है, दूसरी वाली ये डबल क्रोशिया, ये इस तरह से दिखेगा, फिर 2 चैन और फिर जो आगे वाला है लूप है उसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है, तीसरी, फिर चौथी, फिर 5 और ये 6 नंबर की लास्ट वाली डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 4 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 6 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न है, आगे उसी को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, फिर 2 चैन, और इसी तरह से आप पैटर्न फॉलो कीजिए और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड 5 नंबर का राउंड है,
स्टार्टिंग हम जो 6 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने पहले वाले राउंड में, इसके ऊपर आपको 6 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे 3 चैन बनानी है, 1 2 3। उसके बाद जो 4 चैन का पैटर्न था हमारा, उसमें आपको 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 ये 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 चैन, और फिर जो 6 डबल क्रोशिया का पैटर्न था उसके ऊपर फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, ये तीसरी फिर चौथी 5 और ये 6। ये देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया 3 चैन 6 डबल क्रोशिया 3 चैन 6 डबल क्रोशिया। फिर 3 चैन जो 4 चैन वाला लूप बना था उसमें आपको 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 3 ये 4 फिर 5 और ये 6 नंबर। इसके बाद 3 चैन, 1 2 3, और उसके बाद फिर इन हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा पैटर्न बनाइएगा और राउंड को कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये राउंड कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद 6 नंबर का राउंड है, 6 नंबर का राउंड है। इसमें अभी हमें पहले 3 चैन बनाई है, फिर 5 डबल क्रोशिया के, मतलब जो डबल क्रोशिया बनाए थे 6, उसके हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फिर से हम यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 बना देंगे इस तरह से। इसके बाद अभी यहाँ पे चैन की संख्या बढ़ेगी, पहले 3 बनाए थे, यहाँ पे अभी 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 चैन बनानी है, और 6 जो डबल क्रोशिया थे उसकी हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 1 फिर ये 2 ये 3 4 5 और ये 6, तो 6 स्टिच के में 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 5 चैन जैसे पहले बनाई थी, और फिर जो 6 डबल क्रोशिया है उनमें हर एक स्टिच पे बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। 2 ये 3 नंबर का, फिर ये 4 फिर 5 और फिर ये 6, तो 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न है, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो 5 चैन के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर जो 6 डबल क्रोशिया है उनके हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, तीसरी फिर चौथी फिर 5 और ये 6, तो 6 स्टिच में आपको 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 5 चैन और जो डबल क्रोशिया है 6 उनके ऊपर बस एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, 1 ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 5 और ये 6, तो 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पे 6 बना डबल क्रोशिया बना दिए। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद आगे वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे 3 चैन के साथ, और फिर अब यहाँ से थोड़ा चेंजेस है। तो पहले 3 डबल क्रोशिया में 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे 5 चैन बनानी है, 2 3 4 5, और फिर आगे वाले स्टिच में जो 3 स्टिच है उसमें बस एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो बस वहाँ पे हमने एक 5 चैन का लूप ऐड कर दिया है और कुछ नहीं। तो 3 डबल क्रोशिया, 5 चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न है। अब इसके बाद फिर से 5 चैन और जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने उसके ऊपर फिर से आपको हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब यहाँ पे हर राउंड के साथ सिंगल क्रोशिया की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, पहले 6 बने थे इसमें 5 बनेंगे। ठीक है, इसके बाद 5 चैन, फिर जो आगे वाला 6 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है, स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया, 1
ये दूसरी, फिर ये तीसरी डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया के बाद पांच चैन, एक दो तीन चार पांच, और फिर आगे वाले स्टिच में, तीन स्टिच में आपको तीन डबल क्रोशिया बनानी है। ये दूसरा वाला, फिर उसके बाद तीसरा, तो तीन स्टिच में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से, तीन डबल क्रोशिया लूप, तीन डबल क्रोशिया। ये पैटर्न इससे आप इसी को फॉलो कीजिए, पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इसके बाद आठ नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग करेंगे तीन चैन के साथ, उसके बाद फिर आगे वाले दो स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हो गए, फिर चार चैन बनानी है और डबल क्रोशिया के साथ जो हमारा लूप था उसमें अटैच करना है इस तरह से, ठीक है। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर डबल क्रोशिया उसी वाले लूप में अटैच कर दिया, इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, और डबल क्रोशिया के साथ इन तीन स्टिच के ऊपर तीन डबल क्रोशिया आएंगे, एक ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया और ये तीसरा वाला। तो बस यही, इसी तरह से पैटर्न हमने ऐड किया। पहले एक लूप बनाया था, यहाँ पे तीन लूप बने हैं। फिर पांच चैन, दो तीन चार पांच, और एक छः, छः चैन बनाई है, और फिर हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाई है। सिंगल क्रोशिया की संख्या जैसे मैंने आपको पहले बताया कम होती जाएगी, तो देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन, और फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, एक ये दूसरा और ये तीसरा, तीन डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे पैटर्न। फिर चार चैन, फिर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इसको, फिर चार चैन, फिर डबल क्रोशिया उसी में ही अटैच करना है, इसके बाद चार चैन, और फिर जो आगे वाले तीन डबल क्रोशिया हैं उसके ऊपर सेम हमने हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके बाद नौ नंबर का राउंड स्टार्ट करते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग तीन चैन के साथ करेंगे। ये पैटर्न तो सेम है, आपको हर एक तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनानी है, और यहाँ पे पहले चार चैन, जो चार चैन वाला लूप था उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर चार चैन, और जो अभी ये वाला है इसके ऊपर सेम वैसे ही बनाना है, तो डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, फिर एक दो तीन चार, फिर उसी में ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक दो तीन चार, और फिर आगे वाले लूप में स्लिप नॉट के साथ अटैच करना, फिर एक दो तीन चार, और फिर तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तो आपको हर राउंड के साथ तीन तीन इसकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है, लूप्स की। पहले तीन थे, फिर हमारे यहाँ पे पांच बन गए। अब एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाई है और स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया है, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह से, फिर छः चैन, एक दो तीन चार पाँच छः, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे संख्या कम होती जाएगी सिंगल क्रोशिया की, और यहाँ पे जो लूप बने हैं हमने उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग चार चैन, दो तीन चार, और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर चार चैन, फिर डबल क्रोशिया के साथ जो सेंटर वाला और लूप है उसी में, फिर चार चैन, फिर एक डबल क्रोशिया उसी सेम लूप में अटैच करना है, फिर चार चैन, आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, फिर आपको चार चैन बनानी है और तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तो पैटर्न सिंपल सा है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है और पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा कंप्लीट होने के बाद। अब इसके बाद वाला राउंड है जो टेंथ नंबर का राउंड है, उसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मैंने तीन चैन बना दी है, फिर आगे वाले दो स्टिच में डबल क्रोशिया, एक और ये दो। अब हमें सेम उसी तरह से लूप बनाने हैं, फिर चार चैन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर और एक चार चैन,
सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, सिर्फ जो सेंटर वाला लूप है उसी में डबल क्रोशिया के साथ आएगा, फिर चार चैन, फिर इसमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर उसी में ही डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, ये देखिए जो सेंटर वाला है उसी में आपको सेम लूप बनाना है डबल क्रोशिया वाला, बाकी आगे वाले लूप जितने भी बनेंगे उसमें बस सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से, इसके बाद फिर से चार चैन, एक दो तीन चार, और जो तीन डबल क्रोशिया है उनके ऊपर तीन डबल क्रोशिया अटैच करने हैं। अब हमें एक दो तीन चार पाँच छः और फिर इन लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर छः चैन, एक दो तीन चार पाँच छः, और तीन डबल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा, और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी पैटर्न में, बस राउंड के साथ कमेंट में अटैच कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके आंसर दे दूँगी। इसके बाद हमें 11 नंबर का राउंड बनाना है, वो भी सिंपल सा है, थोड़ा सा चेंजेस है वो मैं बता देती हूँ। चार चैन के साथ हमने लूप बना दिया, फिर आगे वाले लूप में फिर से चार चैन लूप, फिर चार चैन, फिर ये लूप, बस जो सेंटर वाले लूप्स हैं उसी में ही आपको डबल क्रोशिया, बाकी सब लूप में आपको सिंगल क्रोशिया के साथ ही अटैच करना है, फिर एक दो तीन चार, और जो सेंटर वाला लूप है उसमें आप डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, और इसी में डबल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा इस तरह से, फिर चार चैन, एक दो तीन चार, आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिएगा, फिर चार चैन, फिर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से एक एक लूप बनानी है, कुछ टोटल 9 लूप बनेंगे पूरे पैटर्न में, फिर चार चैन और जो डबल क्रोशिया है ये तीन, उनके ऊपर सेम हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरा वाला और फिर ये तीसरा वाला, तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एक चैन और जो आगे वाले डबल क्रोशिया उनको जॉइंट करेंगे, तो यहाँ ये हमारा जॉइंट पॉइंट है। अब नीचे आपको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच नहीं करना है, तो डायरेक्ट तीन डबल क्रोशिया, एक चैन, तीन डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न आएगा। फिर इन लूप के ऊपर सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह से 9 लूप बनाने हैं। ये देखिए पूरा राउंड इसी के साथ कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद लास्ट वाली जो बॉर्डर है वो मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनानी है। तो ये जो तीन डबल क्रोशिया थे हमारे, उसके ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है, हर एक स्टिच में बस एक चैन और फिर आगे वाले इसमें सिंगल क्रोशिया। अब जो ये लूप है चार चैन का, उसमें पहले दो सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, फिर तीन चैन और फिर डायरेक्ट दो और सिंगल क्रोशिया उसी वाले लूप में, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा, फिर आगे वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर से दो सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक दो, फिर तीन चैन, फिर दो सिंगल क्रोशिया, एक और ये दूसरी वाली, पैटर्न सेम है, दो सिंगल क्रोशिया, तीन चैन, दो सिंगल क्रोशिया हर एक लूप में, इसी को फॉलो कीजिएगा और जितने भी पूरा बॉर्डर आपको इसी तरह से बनाना है। बस चेंजेस कहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले ही ये 9 जो हमारे लूप बने थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, तो 9 लूप बने हैं। अब ये जो पैटर्न है जहाँ पे हमने पंखुड़ियों को ज्वाइन किया है वहाँ पे बस आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो एक ये दो, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, तीन, फिर ये चार,
ये 5 और ये 6, तो 6 सिंगल क्रोशिया बनी है हमारे यहाँ पे। इसके बाद आगे वाला लूप में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये दूसरी, फिर 3 चैन, 2 3, और फिर उसी में ही 2 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3, और 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा पैटर्न, 5 पंखुड़ियों वाला, छोटा सा तालपोश बोल सकते हैं, बट इसी को आप ज़्यादा पंखुड़ियों के साथ बनाइएगा तो टेबल कवर बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट्स हैं, लास्ट में हमने 3 चैन के बनाए थे, तो वो 1 2 3 4 इस साइड से और 4 उस साइड से। तो अभी आप क्या कीजिएगा, तो जितना बड़ा आपका टेबल है तो उतने बनाइएगा। तो यहाँ पे अभी 5 अटैच होंगे, तो अटैच आपको क्या करना है, तो ये 1 2 और ये 3, इन ती ये छोड़ के जो ये 3 पॉइंट है उन्हीं के साथ आप अटैच कीजिएगा दूसरा वाला थालपोश। तो इसी तरह से जैसे इस इमेज में मैंने बताया आपको, इसी तरह से आपको जितनी चाहिए आप उसने अटैच कर सकते हो और खूबसूरत सा एक टेबल कवर बना सकते हो। खूबसूरत सी और सिंपल सी डिज़ाइन है, ट्राई करने के बाद बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।